डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था। आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या है क्वेश्चन इसका? फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सोल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट NaOH। इट मीन्स जो आपका मिथाइल एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है कि नहीं? और जो आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है आपका? एसिटिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? क्या बनता है? एसिटिक एसिड। उसका टाइट्रेशन करते हैं अगेंस्ट किसके? NaOH के। एसिटिक एसिड इज टाइट्रेट अगेंस्ट NaOH, ठीक है? तो अब बोलते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ द ईस्टर एट डिफरेंट टाइम इज गिवन बिलो। कंसेंट्रेशन आपको दिया गया है ईस्टर का एट डिफरेंट टाइम, ठीक है? तो देखिएगा, ये आपका टाइम है और ये ईस्टर का कंसेंट्रेशन है। ये टाइम आपका जीरो, ठीक है? जीरो मींस जब आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब आपका मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कंसेंट्रेशन है 0.8500। जब आपकी क्या है, टाइम हो गया 30 मिनट्स, तो आपकी कंसेंट्रेशन कितनी रह गई इसकी? किसकी बेटा? मिथाइल एसीटेट रिएक्टेंट जो है उसकी रहेगी 0.8004। जब आपका टाइम 60 मिनट्स हो गया, मतलब रिएक्शन 60 मिनट्स तक आपकी चल रही है, तो आपका कंसंट्रेशन कितना रह गया रिएक्टेंट का? 0.7538। और जब आपका टाइम 90 मिनट, तो आपका कंसंट्रेशन कितना है बेटा? 0.7096, ठीक है? अब मिथाइल एसीटेट के हाइड्रोलाइसिस के बारे में कहा गया है कि ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। मतलब एक्चुअल में जो मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेंस नियरली कांस्टेंट। क्योंकि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। कितना बताया है वैल्यू बेटा? 55 मोल पर लीटर। कितनी है बेटा? 55 मोल पर लीटर। अब उन्होंने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश। क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ के डैश कितना होगा इन दिस इक्वेशन। क्या पूछा है बेटा? के डैश कितना होगा इन दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन के लिए आपकी रेट दी है, रेट इक्वल टू के डैश। ये आपका मिथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन और ये आपका किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है बेटा? वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? तो ये मैंने आपका क्या बता दिया है? क्वेश्चन आपको इसमें फाइंड आउट करना है के डैश। तो चलिए सबसे पहले, अब हम ये वैल्यूज में आपके सामने रख रही हूं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे रिएक्शन। तो देखिएगा, ये है आपका मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। एच रिप्लेस करके यहाँ पर CH3 लगा दो, तो ये आपका क्या बन गया? मिथाइल एसीटेट का कैसा सोल्यूशन लेके चलते हैं बेटा? एक्वस सोल्यूशन। क्या करवाते हैं इसका? हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिड की प्रेजेंस में। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका बनता है एसिटिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? क्या बनता है? एसिटिक एसिड, ठीक है? ये CH3COOH। और मिथाइल क्या बनाता है आपका? ये मिथाइल ग्रुप CH3OH, दैट इज मेथेनॉल। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी वो लिख रहे हैं के डैश CH3COOCH3, और यहां पर क्या हो गया आपका? H2O। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे कह रहे हैं कि H2O को हमने किस में ले रखा है बेटा? एक्सेस में ले रखा है। किसमें ले रखा है? वाटर को हमने एक्सेस में ले रखा है। एक्सेस मीन्स वाटर का कंसेंट्रेशन भी क्या है? कॉन्स्टेंट, ठीक है कि नहीं? कांस्टेंट है तो मींस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा? ये आपका कांस्टेंट है, या रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बजाय ये हो जाएगा आपका के डैश इंटू H2O। के डैश इंटू H2O, के डैश भी कांस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी क्या है बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है नहीं? तो उन्होंने कह दिया के डैश इंटू H2O इक्वल टू मान लिया किसके? के। किसके मान लिया है बेटा? के, ठीक है? तो इट मीन्स अगर हमें के डैश को फाइंड आउट करना है तो एक तो हमें वाटर का पता होना चाहिए कंसंट्रेशन। तो वाटर का तो हमें पता ही है, आपके देखो पीछे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना है, 55 मोल पर लीटर, है कि नहीं? अब देखो दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? के, ठीक है कि नहीं? क्या फॉलो करना है आपको? के। तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? के डैश। तो चलिए अब सबसे पहले इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? के। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते ही आपके माइंड में के का फॉर्मूला बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए। क्या होता है? 2.303/T log इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 by A या C0 by C। C0 मीन्स, बार बार बोल रही हूं मैं,
इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। क्लियर हो गया ना बेटा, सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज सी, दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो अब जरा आप क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, हमें के निकालना है, लेकिन यहाँ देखो टाइम आपके बहुत सारे दिए हैं और उन पर आपका कंसंट्रेशन दिया है और इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो सबके लिए आप सबसे पहले तो क्या निकालेंगे बेटा, के निकालेंगे। तो देखिएगा के स्टार्टिंग में, जब आपका टाइम कितना ले लिया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स है, तब आप के निकालोगे। तो हम देख रहे हैं के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2.303 अपॉन टाइम। देखो टाइम कितना लिया मैंने, 30 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टाइम जीरो होता है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाता है। कितना है बेटा, 0.8500 डिवाइडेड बाय कितना है आपका टाइम जब 30 मिनट, तो कंसंट्रेशन कितना, ये 30 मिनट, तो कंसंट्रेशन हो गया 0.8004। क्लियर स्टूडेंट, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा बेटा सॉल्व आप इसको करके देखिएगा, लॉग की वैल्यू आपको पेपर में गिवन होती है, तो ये आपका सॉल्व करके आता है बेटा 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या आता है के आपका, 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3, ये के की वैल्यू आती है। अब जरा दूसरी कंडीशन देखिएगा, जब आपका टाइम कितना है बेटा, 60 मिनट। देखो टाइम अगर आपका मिनट में है तो आपकी के की यूनिट आती है बेटा मिनट इनवर्स। समझ गए कि नहीं, ये देखिएगा यहाँ के फिर से मैं अब 60 मिनट के लिए पुट कर रही हूँ, 2.303 अपॉन 60 लॉग इनिशियल तो आपका वही रहेगा 85.8500। अब जब टाइम 60 है तो कंसंट्रेशन कितना है बेटा आपका, ऊपर देख लीजिएगा 0.7538, कितना है 0.7538। इस वैल्यू को भी जब आप सॉल्व करेंगे ठीक है कि नहीं, तो ये आपका आता है 2.002 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर हो गया बेटा, 2.002 इंटू 10 टू द पावर -3 आता है आपका। ठीक है, ये भी आपका ये मिनट में है तो ये भी किस में आएगा आपका, मिनट इनवर्स। अब आगे आपका टाइम कितना है, 90 मिनट्स, तो फिर से के सॉल्व करेंगे, 2.303 अपॉन टाइम कितना बेटा, 90 लॉग इनिशियल तो आपका वही रहना है। ठीक है, बस टाइम बदल रहा है तो टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, 0.8500। अब बताइएगा जब टाइम मैंने 90 मिनट्स कर दिया है तो कंसंट्रेशन है 0.7096। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी क्या वैल्यू आती है के की, 2.005 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मिनट में है तो ये आंसर किस में आएगा बेटा आपका, मिनट इनवर्स में। बात मेरी समझ में आई, तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट की, के की वैल्यू तीन डिफरेंट टाइम पर, और आप के की वैल्यू फाइंड आउट करके ऑब्जर्व करते हैं कि के की वैल्यू तीनों केस में, जब टाइम भी चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के साथ आपका जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मींस ये आपकी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं, अब देखिएगा, अब आपका ये निकल आया के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू आपने देखा तीनों केस में आपकी टाइम चेंज करने पर भी सेम आ रही है, इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पीछे समझाया था, यहां देखिएगा ध्यान से देख लीजिएगा, के डैश एच टू ओ इक्वल टू क्या है आपका, के। तो देख लो बेटा ये आपके क्या है, डिफरेंट टाइम पर आपकी के की वैल्यू है, और हर कंडीशन में आपकी के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब जरा आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपका दिख रखा है के डैश एच टू ओ इक्वल टू के, दिख रखा है ना बेटा, तो देखो हम यहाँ पर क्या लेंगे, के डैश एच टू ओ इक्वल टू के। तो आपने के फाइंड आउट कर लिया, टाइम के साथ के की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बोलोगे के डैश एच टू ओ इज इक्वल टू के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3। आगे बेटा अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसमें फाइंड आउट करना है के डैश। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, के डैश, तो यहाँ पर आपका वाटर का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको वाटर का कंसंट्रेशन पता हो बेटा तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, के डैश। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपका वाटर का कंसंट्रेशन पीछे मैंने क्वेश्चन में दिया था, ध्यान से देखो ये लिख रहा है कितना, ध्यान से देखना, 55 मोल पर लीटर, 55
मोल पर लीटर। तो देखिएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 2.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 55 मोल पर लीटर। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका आ रहा है। तो के डैश को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3.64। कितना आएगा बेटा, 3.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये आपका आएगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आएगा मोलैरिटी इनवर्स और मिनट इनवर्स। मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर, तो ये होगी लीटर पर मोल, और मिनट इनवर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम के डैश की आपने यूनिट कैसे लिख दी कि मोलैरिटी इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, क्या था फॉर्मूला बेटा? थोड़ा सा मेरा फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, इसलिए थोड़ा सा ठीक से देखिएगा, कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा तो। के डैश एच टू ओ इक्वल टू आपका क्या है, के, ठीक है ना बेटा, यही लिखा था ना आपने। तो आपको किसकी यूनिट चाहिए यहाँ पर, के डैश की। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपकी के की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड इनवर्स। तो आपको के डैश की यूनिट चाहिए। वाटर का कंसेंट्रेशन अभी आपने पढ़ा, किसमें दिया हुआ था पीछे क्वेश्चन में, मोल्स पर लीटर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मोल पर लीटर इक्वल टू सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, तो आप के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, लीटर अपॉन मोल हो जाएगा कि नहीं, और सेकंड इनवर्स। तो लीटर बाय मोल मींस मोलैरिटी का इनवर्स, और आपका क्या, सॉरी टाइम आपका सेकंड इनवर्स ले लो, क्योंकि यहाँ टाइम आपका मिनट में है, तो आप चाहें तो इसको मिनट इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में टाइम मिनट में चल रहा है बेटा। इसे मैंने तो जनरल आप सेकंड भी ले सकते हो मिनट भी, लेकिन यहाँ आपका मिनट है तो आप मिनट भी ले लो, तो ये आपका टाइम मिनट इनवर्स में। तो यहाँ पर हर जगह जहाँ सेकंड में लिख रही हूँ वहाँ पर आप मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपकी मोलैरिटी इनवर्स और मिनट इनवर्स। क्लियर हो गया बेटा कैसे लिखी मैंने के डैश की यूनिट। तो ये आपकी के डैश की वैल्यू आ गई 3.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 क्या, मोलैरिटी का इनवर्स और मिनट इनवर्स। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, इसको देखो बेटा। तो मैंने आपको के डैश की वैल्यू बता दी कितनी आई, 3.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलैरिटी इनवर्स मिनट इनवर्स। एक बार क्वेश्चन को जरा दोबारा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, देख लीजिएगा जरा ध्यान से। ये आपको दिया है क्या, मिथाइल एसीटेट, और ये दिया है वाटर। ये मिथाइल एसीटेट का हम क्या कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस। क्या दे रहा है, हाइड्रोलाइसिस करके एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या दी हुई है आपको, के डैश, ये आपका मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट और वाटर। लेकिन आपका वाटर किसमें प्रेजेंट है बेटा, आपका एक्सेस में, किसमें प्रेजेंट है, एक्सेस में। तो वाटर भी हमारा क्या मान के, एक्सेस मींस वाटर आपका क्या है यहाँ पर, वाटर का कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट। तो हम लिख रहे हैं के डैश इंटू एच टू, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनको हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया है क्या बेटा, के। के डैश इंटू एच टू ओ को हमने एक नया नाम दे दिया क्या, के। ठीक है बेटा, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी के डैश फाइंड आउट करो कितना है, क्या फाइंड आउट करो, के डैश। तो एच टू ओ का कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था 55 मोल पर लीटर, तो एच टू ओ तो पता है, सिर्फ के आपको निकालना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, के। तो अगर आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो दिमाग में आते ही फॉर्मूला क्या आ जाना चाहिए, 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी या ए नॉट बाय ए। नॉट वाला जो है वो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन है, और सी क्या है, कंसेंट्रेशन एट अ टाइम टी। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपका टाइम दिया है और कंसंट्रेशन दिया है, तो ये तो आपका जीरो टाइम पर जो कंसंट्रेशन होता है वो बेटा आपका हमेशा कौन सा कंसंट्रेशन होता है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया आपका कितना, 0.8500 टाइम जब जीरो है आपका, और टाइम टी पर ये तीन कंसंट्रेशन दिए हैं, टाइम तीन लिए हैं 30, 60 और 90। इट मींस अगर तीन टाइम और तीन कंसंट्रेशन लिए हैं तो के भी मुझे कितनी बार निकालना पड़ेगा, थ्री टाइम। तो चलो जी अब हम एक एक करके अलग अलग टाइम पे क्या निकाल लेते हैं, के। पहले जब टाइम 30 मिनट था तो के आपका देखो यहाँ पर ये 30 मिनट टाइम पुट कर दिया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये 30 मिनट पर कंसंट्रेशन। तो आपका के आया इतना 2.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखो जब टाइम आपका हो गया 60 मिनट, ठीक है, तो आपका के कितना आया बेटा, यहाँ 60 पुट कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, बस डिक्रीज किस में आएगा, आपका कंसंट्रेशन एट टाइम टी।
ये घट गया आपका आगे, फिर आपने तो आपका आंसर आया 2.002 इंटू 10^-3। अब आगे आपने टाइम कितना ले लिया, 90 मिनट्स, तो आपका के कितना आ गया, 2.303 अपॉन 90 लॉग ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है बेटा, देखो घट रहा है ना तीनों में, पहले 0.8004 था, फिर 0.7538, फिर आ गया 0.7096। क्लियर स्टूडेंट? तो आप देख रहे हो कि आपने टाइम चेंज किया, लेकिन टाइम के साथ आपका के की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। जब टाइम के साथ के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो वो आपकी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि के डैश इंटू एच टू, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इनको हमने एक नए कॉन्स्टेंट के इक्वल मान लिया है। क्या है आपका नया कॉन्स्टेंट बेटा, के। समझ में आ रहा है ना? तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, के डैश एच टू, के की वैल्यू मैंने यहां से उठा ली, पुट कर दी 2.004 इंटू 10^-3। तो के डैश आपका क्या हो गया, जो के की वैल्यू थी उसको एच टू ओ के कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर दिया। एच टू ओ का कंसेंट्रेशन पीछे बताया था मैंने आपको, कितना था एच टू ओ का कंसेंट्रेशन, 55 मोल पर लीटर। कितना था बेटा, 55 मोल पर लीटर। तो देखो अब आपका के डैश क्या बन गया, कितना है आंसर, 3.64 इंटू 10^-5 मोलैरिटी इनवर्स मिनट इनवर्स। अब ये यूनिट कैसे आई, आपको ये भी समझा दिया कि के डैश इंटू एच टू ओ इक्वल टू के होता है। तो के डैश इंटू एच टू ओ इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू हमेशा बेटा या तो क्या रहती है आपकी, मिनट इनवर्स, टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। ये देखो मैंने के पीछे बताया था आपको, टाइम मिनट में है तो मिनट इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप सेकंड में भी ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका मिनट में है तो मैंने मिनट इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब वाटर का कंसंट्रेशन किस में लेके चले थे, मोल्स पर लीटर में। तो यहां भी आपका वाटर की जगह मोल पर लीटर, तो आपका के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये उधर गया तो लीटर पर मोल और मिनट इनवर्स। लीटर पर मोल को क्या बोलेंगे, मोलैरिटी इनवर्स मिनट इनवर्स। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट? तो आपकी के डैश की यूनिट आ गई मोलैरिटी इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, किसके ऊपर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।